हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नगेंद्र थालोर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉन कार्डियक चेस्ट पेन क्या होता है, क्या क्या उसके सिम्टम्स रहते हैं और कैसे उसको पहचानें और क्या ट्रीटमेंट करें। चेस्ट पेन के क्या क्या कारण होते हैं, कार्डियक पेन है या नॉन कार्डियक है उसको कैसे पता करें और हार्ट अटैक वाले पेन के क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं, इन पर पहले भी वीडियो बनाया है जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में टोटली बात करेंगे नॉन कार्डिक चेस्ट पेन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चेस्ट होता क्या है। चेस्ट जो है वो नेक के नीचे से लेके और एब्डोमन तक का एरिया है, उसके बीच का जो एरिया है उसको चेस्ट बोलते हैं। और ये चेस्ट है जो कई ऑर्गन को मिला के बना हुआ है। जिसमें बात करें तो सबसे पहले आता है स्किन, मसल्स, रिब्स, बोन, और उसके बाद में जैसे लंग्स हैं, हार्ट है, और लंग और हार्ट की जो कवरिंग रहती है जिसको पल्यूरा और पेरिकार्डियम बोलते हैं, और ईसोफेगस और ट्रेकिया, इन सब को मिला के चेस्ट बनता है। तो चेस्ट में जो पेन होता है वो ज़रूरी नहीं सिर्फ हार्ट के कारण ही हो, क्योंकि इतने सारे ऑर्गन और भी हैं चेस्ट में, तो इन ऑर्गन में भी यदि कोई दिक्कत होती है तो भी वो चेस्ट पेन हो सकता है। नॉन कार्डियक चेस्ट पेन जो होता है वो आपको सेंटर में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, या फिर आपको बाई साइड में नीचे पसली के पास में भी फील हो सकता है। तो उसकी साइड कोई फिक्स नहीं है, चेस्ट में कहीं भी हो सकता है। नॉन कार्डियक चेस्ट पेन के कुछ सिम्टम्स रहते हैं जिनको आप इजीली पहचान सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि ये हार्ट से रिलेटेड पेन नहीं है। सबसे पहले ये है कि जो नॉन कार्डियक पेन रहता है वो हमेशा लोकलाइज रहता है, यानी एक पॉइंट पे रहेगा। आप इजीली फिंगर लगा के पता कर सकते हैं कि पेन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हुआ या फिर यहाँ पे हुआ, यानी एक फिंगर के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि पेन यहाँ पे हो रहा है। दूसरा सिम्टम ये रहेगा कि जो नॉन कार्डियक पेन है वो यदि आप सांस लेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे या मोमेंट करेंगे, या फिर आप कहीं जगह पे प्रेस करेंगे तो वो पेन वहाँ पे फील होएगा आपको या ज़्यादा होएगा, जबकि हार्ट के पेन में इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉन कार्डियक पेन रहता है वो एकदम शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, यानी 2-4 सेकंड के लिए एकदम सुई चुभने जैसा पेन फील होएगा, या फिर वो लंबे टाइम तक रहेगा, यानी कई घंटे तक चलेगा या दिन तक या महीनों तक भी चल सकता है। नॉन कार्डियक पेन रहता है वो मोस्टली एक्सरसाइज से इंक्रीज नहीं होता है, और जैसे आप कुछ एंटा एसिड लेते हैं या फिर आप कुछ पेन किलर टेबलेट लेते हैं तो उसमें रिलीफ मिलता है। नॉन कार्डियक पेन जो रहता है यानी डल पेन रहेगा, या फिर सुई चुभने जैसा, या फिर अंदर बहुत जलन हो रही है, इस टाइप का पेन रहता है। नॉन कार्डियक पेन किन किन कारणों से हो सकता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण रहता है पेट से रिलेटेड या ईसोफेगस से रिलेटेड, जिसमें आपको या तो आपके बॉडी में एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है और जो एसिड है वो आपके ऊपर की तरफ आता है, ईसोफेगस में आता है, जिसके कारण आपको पूरा बर्निंग सेंसेशन फील होता है, यानी पूरा एकदम जलन सी लगती है, गले में आपको खट्टा टेस्ट लगेगा, मुंह में बार बार खट्टा पानी जैसा आता है, तो इस तरह का है तो वो फिर पेट से रिलेटेड या एसिडिटी से रिलेटेड पेन रहता है। और ये वाला पेन आप जैसे खाना खाते हैं तो कुछ रिलीफ मिल सकता है, या खाना खाने के बाद में जैसे लेटते हैं तो फिर एकदम से ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ यदि आपको कोई पेप्टिक अल्सर है, यानी पेट में कोई अल्सर है, तो भी ये पेन फील हो सकता है, या फिर आपके जो खाने की नली ईसोफेगस है उसमें कई बार स्पाज्म होता है तो भी ये पेन फील हो सकता है। दूसरा कारण रहता है लंग्स से रिलेटेड, यानी आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन होता है, कोई निमोनिया हुआ, या फिर आपको खांसी जुकाम होता है जिसमें लंग की जो कवरिंग है, पल्यूरा जिसको बोलते हैं, यदि उसमें कोई इन्फ्लामेशन होता है तो भी आपको चेस्ट पेन फील होता है, या फिर आपकी जो कोई पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, या फिर टीबी हुआ है या कोई इन्फेक्शन है तो ये पेन हो सकता है। थर्ड कारण है मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड, यानी आपके कोई मसल्स में ट्रॉमा हुई है, या मसल में पेन हो, मसल में कोई खिंचाव आ गया हो, या फिर आपकी रिब्स में कोई फ्रैक्चर हुआ है, या रिब्स में कोई इन्फ्लामेशन है जिसको कोस्टोकोंड्राइटिस बोलते हैं, या फिर आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पोंडोलाइटिस की दिक्कत है, तो इन सारी कंडीशन में आपके चेस्ट पेन फील हो सकता है। और ये वाले जो पेन होते हैं मेनली, जैसे ही आप
प्रेस करते हो, दबाते हो तो ये ज़्यादा होते हैं, या फिर कोई मूवमेंट करते हो आप तो भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कारण है और जो मोस्ट कॉमन कारण है इन दिनों में, वह है पैनिक अटैक, एंजाइटी या डिप्रेशन। आजकल जो यंग लोग रहते हैं जिनमें चेस्ट पेन की बार बार कंप्लेन आती है, उनमें मोस्ट कॉमन कारण आजकल पैनिक अटैक रहता है या फिर एंजाइटी रहता है। तो इस कंडीशन में जो पेन रहता है वो आपको चेस्ट में एकदम से भारीपन सा रहेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत रहेगी, हाथ पैरों में आपके कंपन रहेगी, या सुई चुभने जैसा टिंगलिंग सेंसेशन रहेगा। तरह के जो सिम्टम रहते हैं वो पैनिक अटैक से रिलेटेड रहते हैं या फिर एंजाइटी से रिलेटेड रहते हैं। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको इसकी पैथोलॉजी को समझना है, क्योंकि आपने पैनिक अटैक के चलते कई बार आप बार बार हॉस्पिटल जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और आपने बार बार अपने ECG करवा रखे हैं, इको करवा रखे हैं, TMT करवा रखी है, इवन कुछ लोगों को CT/angio भी करवा लेते हैं। और यदि जब ये सारे टेस्ट करवा रखे हैं और सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट एकदम नॉर्मल है, हार्ट एकदम सही काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इस कंडीशन को आप समझें कि भाई ये आपके हार्ट के कारण नहीं है। इसमें आपको अपने जो थॉट प्रोसीजर हैं आपके, उनको चेंज करना है और इसकी पैथोलॉजी को समझना है। नॉन कार्डिक चेस्ट पेन के ट्रीटमेंट के लिए आपको इसके कारण को जानना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन लेना है। जैसे यदि ये पेन आपका एसिडिटी के कारण हो रहा है, तो इसमें आपको एंटा एसिड से रिलीफ मिलेगा। प्रोटोन पंप इनहिबिटर जैसे पेंटाप्रोजोल, ओमीप्राजोल आप मेडिसिन लेते हैं, उनसे आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरा ये कि यदि ये पेन आपको मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम के कारण है, तो इसमें आपको मसल रिलैक्सेंट से या पेन किलर जो मेडिसिन आती हैं उनसे रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ में कई बार आपके ये मेडिसिन लेने से भी यदि पेन में रिलीफ नहीं मिलता है, तो जो पेन की नर्व रहती हैं उनको पेन सेंसेशन को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन रहती हैं जिसमें नोरट्रिप्टालिन, एमीट्रिप्टालिन मेडिसिन आती हैं, या फिर SSRI मेडिसिन दी जाती हैं जैसे सेट्रालिन है, तो ये आपके पेन के सेंसेशन को कम कर देती हैं। और यदि आपको पेनिक अटैक है तो उसके लिए आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, जिसमें आपको बार बार मनोचिकित्सक के द्वारा आपको काउंसलिंग करा जाता है, आपको साइकोथेरेपी दी जाती है, आपके थॉट प्रोसेसर को चेंज किया जाता है। इसके साथ साथ में आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करना है, जिससे आपके जो पैनिक अटैक रहते हैं उनमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो इस तरह जो नॉन कार्डिक चेस्ट पेन है उसके आपको रीजन को समझना है, और ये ध्यान रखना है कि ये हार्ट के कारण तो है नहीं, क्योंकि आपने इतनी सारी जांचें करवाई हैं और हर बार जांचें नॉर्मल आ रही हैं, इसका मतलब हार्ट आपका एकदम ओके है। ये वीडियो देखने के बाद में जिन लोगों को बार बार ऐसी दिक्कत हो रही है, पैनिक अटैक आ रहे हैं, वो अपने आप को समझ सकते हैं कि उनका हार्ट एकदम नॉर्मल है, और अपनी जो वैल्यूबल टाइम है उसको बार बार इसी थॉट में न लगा के अपनी जो जॉब है या कैरियर है या अपनी जो पढ़ाई है उस पे ध्यान दें, और अपने हार्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि जब इतनी सारी जांचें करवाई हैं, हर बार नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब हार्ट आपका एकदम ओके है।